और अदर सब्जेक्ट जिस पे हर स्टूडेंट फोकस करता है सेम एज अगर आपने उसी पर फोकस किया तो उसमें और आप में कोई अंतर नहीं रहता सेम एज पोजिशन दोस्तों सबकी जाती है। तो आज के सेशन में आप लोग जीके जीएस का एक और नया प्रैक्टिस सेट और आपको को पता है हम लोग डेली एक नया प्रैक्टिस सेट है करते हैं मिनिमम 25 नंबर 25 क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट में होते हैं साथ ही में 25 क्वेश्चन का एक एनिमल सीरीज जो सबसे लास्ट में आप लोगों के लिए होती है ये एनिमल सीरीज में आप लोग मेरे साथ जीके के क्वेश्चन का रिविजन करते हो जो हम लोग पहले जो हम लोग पहले एक से दो महीने पहले पढ़ चुके हैं उन सभी क्वेश्चंस का आप लोग मेरे साथ रिवीजन में साथ में करते हो तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में इसी के साथ में आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है समुद्र के जल के नीचे जाने पर जल दाब का मान निम्नलिखित में से कितना होता है ये क्वेश्चन आपने दोस्तों सोना होगा ये बात है आपकी दोस्तों टाइटेनिक की आप सभी को पता है जब लोग दोस्तों टाइटेनिक की रिसेंटली जब खोज हुई थी टाइटेनिक की खोज दोस्तों याद रखना खोज में और विभिन्न प्रकार के दोस्तों परिणामों को जानने के लिए एक ऐसी कंपनी थी एक ऐसी कंपनी थी जिसका एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया एक ऐसा जहाज पानी का जहाज जो समुद्र में जाकर इसकी रिसर्च करने वाला था उसमें पांच वैश्विक ग्लोबल बिजनेस से संबंधित लोग बैठे हुए थे उस 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 कंपनी 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 का का नाम 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 था नाम था था क्या जिसने इस को भेजा था। याद रखना दोस्तों ओशन गेट, था। ओशन गेट जो है जो पूरी तरीके से कैसे हो तो गई थी निष्क्रिय हो गई थी इसमें दोस्तों याद रखना ब्लास्ट हो गया था और ब्लास्ट होते ही दबाव के कारण जितने भी लोग इसके अंदर बैठे हुए थे उन सब का दोस्तों निधन हो गया था जैसा कि आपको पता है सेम एस क्वेश्चन जल के दबाव से समुद्र में आपसे क्वेश्चन पूछता है हमेशा याद रखना प्रत्येक 33 मीटर के साथ हमेशा इस बात को याद रखना दोस्तों प्रत्येक जो आपका 33 मीटर का आंकड़ा होता है हर 33 मीटर के बाद और याद रखना अगर ऑप्शन में 33 मीटर नहीं मिलता है तो 40 मीटर आपको दोस्तों मिलेगा हर 33 या 40 मीटर के बाद जो समुद्र के अंदर दोस्तों जल होता है

अगले क्वेश्चन भी देखो कौन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भारत नट्यम नर्तक नर्तांगना है। अब मेरी ये आज मैं आपके लिए आया क्योंकि <coughs> राष्ट्रपति द्रौपदी दुर, मुर्मू जी के द्वारा भारत के अंदर 120 याद रखना दोस्तों 120 पद्म पुरस्कार दिए जा चुके हैं पद्म अवार्ड जो है हाल ही में दोस्तों 132 दिए जा चुके हैं कितने कैटेगरी में याद रखना दोस्तों तीन कैटेगरी में पुरस्कार दिए जा गए, इनसे जो आते हैं, हैं। इसलिए है, लाया था तो ये अब की बार दोस्तों याद रखें जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस की जो एग्जाम डेट है वो पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है यूपी पुलिस की एग्जाम डेट कंफर्म हो चुकी है एग्जाम जो आपका होगा सत्रह से लेके दोस्तों याद रखना अठारह फरवरी दो हजार चौबीस में दोस्तों होने वाला है सेम एज आपको मैं एक दोस्तों यहां पर बात बता दूं <coughs> रेडियो ऑपरेटर फर्स्ट ऑफ फेब से स्टार्ट है <coughs> फर्स्ट ऑफ फेब से स्टार्ट है इसके साथ में अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों एसएससी जीडी की एसएससी जीडी का एग्जाम आपके मार्च में है यह बात आपको दोस्तों ध्यान रखनी है लेकिन डिपेंड करता है कि अब आप अपने एग्जामिनेशन में पढ़ क्या रहे हो तो जो अभी पुरस्कार दिए गए उन पुरस्कारों से क्वेश्चन आपके दिल्ली पुले, यूपी पुलिस और सेम एज एस एस सी दोनों में हिट करेंगे यह बात ध्यान रखना इसको आप लोग इग्नोर कर दो क्योंकि इससे रिलेटेड मैं आपको ऑलरेडी क्वेश्चन बताऊंगा ठीक है इस क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन पूछेगा सर तो क्वेश्चन याद रखना जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा गीत नाटक अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित भारत भरतनाट्यम नर्तक नृत्य है उनका नाम क्या होगा जयलक्ष्मी दोस्तों ईश्वर इनका नाम था ईश्वर इनका नाम था इनको याद रखना दोस्तों क्या किया गया था ये क्यों बहुत ज्यादा न्यूज में थी अगर आपके पेपर में पूछा जाए ये न्यूज में क्यों है ये बहुत ज्यादा न्यूज में क्यों है और बहुत ज्यादा पेपर में आने योग्य महिला क्यों है ये भारत की एकमात्र दोस्तों महिला ऐसी है आप में से किसी को भी इस क्वेश्चन का दूर दूर तक अंदाजा भी नहीं होगा कि क्वेश्चन आपके पेपर में ये पूछेगा कहां से ठीक है ठीक है आपको अंदाजा भी नहीं होगा तो इस क्वेश्चन में एकमात्र दोस्तों ये ऐसी महिला बनी अच्छा सर एकमात्र कैसी महिला बनी तो ध्यान से सुनना इन्होंने दोस्तों याद रखना वर्ष 2023 में ये बात है 9 जनवरी 9 जनवरी 2023 की जब आप लोग मनाते हो भारतीय प्रवासी दिवस जब हम लोगों ने दोस्तों याद रखना भारतीय प्रवासी दिवस सेलिब्रेट किया भारतीय प्रवासी दिवस दोस्तों सेलिब्रेट किया कौन सा था था भारतीय प्रवासी दिवस सेलिब्रेट किया इसको होस्ट करने वाला जो शहर दोस्तों वह शहर निम्नलिखित में से कौन था उस शहर को आप लोग इंदौर के रूप में जानते हो इंदौर ने दोस्तों इसको होस्ट किया था तो यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे मुख्य अतिथि के रूप में दोस्तों याद रखना आपके इरफान अली थे अब की बार कोई नहीं आया पिछली बार की बात है इरफान अली आए थे जो प्रेसिडेंट ऑफ ग्वाना थे ये किस देश के दोस्तों राष्ट्रपति थे ये ग्वाना के राष्ट्रपति थे अफ्रीका क्योंकि अफ्रीकन से ये देश ये दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे इसलिए <laughs> तो ये क्वेश्चन वही है कि 9 जनवरी 2023 को जब इंदौर में दोस्तों इसको होस्ट किया गया वॉइस किस किस को प्रॉब्लम आ रही है वॉइस से रिलेटेड एक बार आप लोग कंफर्म करके मुझे बताओ वॉइस की किस किस को दिक्कत है ऐसे हाथ करके मैं आपको कब तक पढ़ाऊंगा है ना तो एक बार पहले आप मुझे कमेंट कर दो और किस किस को दिक्कत है वॉइस की अब एक बार कमेंट करो आवाज आ रही है कोई दिक्कत नहीं है कोई कह रहा है चलो स्लो आ रही है बस ठीक है अपने मोबाइल में चेक कर लेते हैं फाइनली <laughs> अपने अपने मोबाइल का वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हो आप लोग ठीक है अपने अपने मोबाइल का जो आपके पास सेलफोन है इसका भी... चलो तो कहां पे हम लोग थे दोस्तों जय लक्ष्मी ईश्वर इस इज द करेक्ट आंसर ये क्या बनी थी जब ये दोस्तों मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे भारत के अंदर आए थे तो ये एक प्रकार की दोस्तों डांसर थी ये क्या थी ये एक प्रकार की दोस्तों डांसर थी अब बात आपको समझ में आ गई कि ये क्वेश्चन एग्जाम में क्यों पूछा गया था अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है आपने दोस्तों रानी विक्टोरिया का नाम सुना होगा आपने रानी विक्टोरिया रानी विक्टोरिया का दोस्तों नाम सुना होगा जब दोस्तों इनको भारत के के रूप में घोषित किया गया था उस समय भारत की एकमात्र तेलंगाना से थी दोस्तों जिन्होंने वहां पर डांस किया था था उनका नाम क्या था, कोई बता सकता है। ये आपके एस एस सी जी डी में पूछा गया है और आप ऐसे क्वेश्चन को दूर दूर तक नहीं पढ़ते हो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब पढ़ाए जाते हैं तो बच्चे ज्यादा देखते नहीं है तो कोई पढ़ाता नहीं है सिलेक्शन से दूर दूर तक किसको कोई मतलब है नहीं अगला देखो अगला मैं आपको ये सारा डाटा कवर करा चुका हूँ एनिमल में तो दोस्तों किस राज्य किस भारतीय राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है ये एक प्रकार का दोस्तों कल्चर हेरिटेज फेस्टिवल है कल्चर हेरिटेज फेस्टिवल है इसको हम लोग दोस्तों किस नाम से पुष्क कलाओं के नाम से जानते हैं तो बताओगे आप लोग पुष्करालू जो त्यौहार है किस राज्य के अंदर दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है और भारत के अंदर दो ऐसे राज्य हैं एक राज्य दोस्तों याद रखना आपका आंध्र प्रदेश हमारे भारत के अंदर ऐसे दो राज्य जिसमें से एक राज्य का नाम होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश इसमें से एक राज्य जिसको आप लोग तेलंगाना एक और राज्य जिसको आप लोग तेलंगाना के नाम से जानते हो ऑप्शन में कौन मिल रहा है आंध्र प्रदेश मिल रहा है तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर तो आंध्र प्रदेश जब आप लोग क्वेश्चन का आंसर मार दोगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर सिर्फ और सिर्फ दोस्तों उन लोगों के द्वारा मनाया जाता है जो तेलुगु भाषा का प्रयोग करते हैं जो लोग तेलुगु भाषा का प्रयोग करते हैं उन लोगों के द्वारा इस फेस्टिवल को मनाया जाता है ये फेस्टिवल कहां पर मनाया दोस्तों जाता है ये फेस्टिवल याद रखना आपके भीमा नदी पर यह फेस्टिवल भीमा नदी पर भीमा नदी पर दोस्तों ये फेस्टिवल मनाया जाता है जब भीमा नदी की बात की जाए तो ये कहां पड़ती है तो याद रखना दोस्तों एक आपकी नदी हो जाती है गोदावरी एक नदी आपकी दोस्तों याद रखना कृष्णा ये सारी साउथ की नदियां हैं एक कृष्णा एक नदी का नाम दोस्तों से आप लोग तुंग भद्रा के नाम से जानते हो और एक नदी जिसको आप लोग प्राणहिता के नाम से जानते हो इन सभी नदियों पर दोस्तों इसका सेलिब्रेट किया जाता है ये फेस्टिवल दोस्तों कुल कितने दिनों तक चलता है ये फेस्टिवल याद रखना बारह दिनों तक तो चलता है और अलग अलग बारह भगवानों की तथा दोस्तों अलग अलग बारह पवित्र स्थानों की दोस्तों पूजा इन दोनों राज्यों में अलग अलग तौर पर दोस्तों की जाती है यह फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल है दोस्तों जो बारह शहरों में बारह नदियों पर बारह शहरों पर याद रखना दोस्तों बारह नदियों पर अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है इसीलिए प्रत्येक बारह वर्ष बाद इसीलिए प्रत्येक दोस्तों याद रखना दो बारह वर्ष बाद चक्र पुना दोस्तों उसी नदी पर पहुंचता है इसलिए कहा जाता है कि अलग अलग नदियों पर बारह साल बाद तो याद रखना बारह साल में एक बार यह महोत्सव किसी नदी पर पड़ता है यह फेस्टिवल याद रखना भारत के अंदर जिस प्रकार से कुंभ मेला है कुंभ मेला एक ही बार लगता है साल में वो भी बारह साल में एक बार यह हर साल लगता है लेकिन बारह साल बाद एक स्थान पर दोबारा वो पहुंच पाता है ऐसे इस क्वेश्चन को याद रखिए अगला क्वेश्चन देखो अपने साथ कौन सा कथन कौन सा कथन कोशिका चक्र के बारे में सही नहीं है कोशिका चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एडॉप्ट अबाउट द सेल साइकिल बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है बताइए आंसर क्या होगा नंद किशोर भैया जी क्या बोल रहे हैं क्या बो, क्या बता रहे हो आप नो डिस्टर्ब क्या बता रहे हो हम बोल रहे थे क्या बोल रहे थे मुझे बताओ डायरेक्टली आप क्वेश्चन आपके सामने है कौन सा कथन कोशिका चक्र के बारे में सही कथन नहीं है कि ये डीएनए प्राकृतिक एस चक्र में होती है जी2 में प्रवस्था कोशिका विभाजन होने के लिए तैयार है तैयार uh, करती है या एम एक अर्धसूचित सूत अर्ध अर्धसूत्री विभाजन प्रवस्था है कोशिका चक्र का जो सही क्रम होता है वह क्रम जी एस जी वन फिर एस फिर जी टू और फिर एम होता है इन में से से सही आंसर आंसर क्या होगा क्वेश्चन क्वेश्चन जो आपके सामने अवेलेबल है इस का आप में से कोई नहीं दे सकता क्यों नहीं दे सकता जब तक आप डिटेल में पहुंचने जाओगे तब तक, तक नहीं दे सकते इस क्वेश्चन की जब बात आती है सबसे पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं जो होगा उसके बाद पूरी डिटेल में इस क्वेश्चन पे आप लोग बहुत ढंग से कवर करना क्वेश्चन का आंसर जो सही नहीं है वो एम है कि भैया चक्र के बारे में सही कथन जो नहीं है वो ये है कि एम एक अर्धसूत्री विभाजन प्रवस्था है पहला पॉइंट आपका ये हो गया सबसे पहले मैं आपको बताता हूं यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है कोशिका चक्र कि कोशिका चक्र या सेल साइकिल निम्नलिखित में से कहते हैं किसको है सबसे पहले जब हम लोग दोस्तों सेल साइकिल की बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों साइकिल जंतु विज्ञान में जब आप लोग सेल साइकिल की बात करोगे सेल शब्द की खोज कब हुई थी सेल खोज याद रखना किसके द्वारा और कब? 1824 में सर्वप्रथम सेल साइकिल की दोस्तों खोज सर्वप्रथम कर दी गई थी जब खोज कर दी गई थी ये खोज किसमें की गई थी ये खोज याद रखना आपके मेढक में ये खोज दोस्तों किसमें की गई थी ये खोज आपके मेढक मेंढक तो, के अंदर की गई थी दूसरी बात याद रखना कोशिका जो सेल होती है इसके चरणों से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें याद रखना जो चरण होते हैं कोशिका के अंदर दोस्तों चरण होते हैं ये चरण में होता क्या है तो याद रखना श्रृंखला होती है कोशिका के अंदर जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं कोशिका में दोस्तों याद रखना जितने भी कोशिकाओं के अंदर जो घटनाएं घटित होती हैं जो घटनाएं घटित होती हैं इनको ये लोग किस नाम से जानते हैं चरणों के नाम से जानते हैं चलो यहाँ पे भी बात आ गई है दूसरी इंपॉर्टेंट बात आएगी कोशिका के अंदर विशिष्ट रूप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पाई जाती है जिसको आप यूके रियोटिक के नाम से, जिसको आप आप लोग लोग यूके यूके रियोटिक रियोटिक के के नाम नाम से से दोस्तों जानते हो यूके रिकॉर्डिक जो चक्र होता है इसको संदर्भित करने का काम किसका होता है याद रखना आपके सेल साइक, साइकिल या कोशिका चक्र का दोस्तों होता है ये चक्र पूरा कितने दिन में हो जाता है पेपर में पूछा जाता है

जो सेल साइकिल होती है ये दो प्रकार की होती है सेल साइकिल कितने प्रकार की होती है दोस्तों दो प्रकार की होती है एक को आप लोग जानते हो मेसोसिस के नाम से और एक जो होती है इसको आप लोग दोस्तों याद रखना इंटरफेस के नाम से जानते हो पहला जो चरण है दोस्तों इसको क्या कहा जाता है इंटरफेस इंटरफेस को क्या कहते हैं इसको अंतरावस्था के नाम से जानते हैं इंटरफेस जो होता है इसको आप लोग दोस्तों याद रखना अंतरावस्था के रूप में जानते हो और जो आपका मेटोसाइसिस होता है इसको किस नाम से जानते हो इसको आप लोग याद रखना सूत्री विभाजन के नाम से इसको आप लोग सूत्री विभाजन के नाम से जानते हो यहां पर अर्ध सूत्री लिखा हुआ है तो ये अर्ध सूत्री नहीं होगा ये सूत्री विभाजन होगा लेकिन आधी सूत्री विभाजन नहीं होगा आधे का मतलब है जो भी आपके विभाजन दोस्तों दिए गए हैं इसको करता नहीं पूरी तरीके से विभाजित करता है, है इसीलिए क्वेश्चन गलत था पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट आएगा जो इंटरफेस होता है कितने प्रकार का होता है इंटरफेस दोस्तों तीन प्रकार का होता है पहला जीवन होता है फिर एस होता है फिर जी होता है वही यहां पर दोस्तों आपके सामने जी वगैरह वगैरह पूछे गए थे ए, जीवन जी जीवन एस और जी टू फिर एम आता है जीवन एस फिर जी टू पहले क्या बताया क्या दोस्तों आपका जीवन एस फिर जी टू जीवन एस और जी टू आता है फिर एम आता है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सही है है था ना ऐसे याद रखोगे और तो दूसरा जो पॉइंट आता है दो जाता है दो क्रम में बांटा जाता आपका इंटरफेस इंटरफेस दोस्तों तीन प्रकार का होता है और जब आप लोग मिट्टोसाइसिस की बात करते हो ये खुद दोस्तों आपके चार प्रकार का होता है चार प्रकार में पहले वाले को आप लोग दोस्तों फ्रोसफेस के नाम से जानते हो ये क्यों क्या कैसे होता है एक बार आप लोग आगे बढ़ जाओ

कोश का विभाजन का याद रखना वास्तविक समय जो होता है वो कहां पर होता है सूत्री विभाजन में मिथोसाइसिस के पास में होता है ठीक है सर अब नंबर एक पर आता है आपका इंटरफेस जिसको अंतरावस्था कहते हैं ये होती क्या है इसे कोशिका चक्र के विश्राम चरण के रूप में भी जानता है सोचो कोशिका चरण का कोशिका चरण का विश्राम चरण किसे कहते हैं तो इंटरफेस या अंतरावस्था को कहते हैं रट्टा मार लो इसका इंटरफेस वह समय है जिसके दौरान कोसका वृद्धि और डीएनए प्राकृतिक दोनों से गुजरकर विभाजन के लिए तैयार होती है इस फेस को इंटरफेस इंटरफेस कहते हैं दूसरा दोस्तों कितने प्रकार का होता है मैंने बताया चार प्रकार का कौन कौन सा सबसे पहले जीवन चरण इसको गैप फर्स्ट कहते हैं फिर एस चरण होता है इसको संश्लेषण कहते हैं फिर जू चरण होता है इसको आप लोग गैप टू के नाम से जानते हो इनके काम क्या होते हैं जीवन जो चरण होता है जिसको गैप वन कहते हैं ये क्या करता है जीवन चरण कोशिका के माइटोसिस और माइटोसिस और कोशिका की अनुवांशिक सामग्री की प्राकृतिक प्रकृति के शुरुआत के बीच चरण है इस चरण के दौरान कोशिका चबाप चय रूप से सक्रिय होती है और अपने डीएनए की प्राकृत अपने डीएनए की प्रतिकृति बनाए कृति प्रतिकृति बनाए बिना बढ़ती रहती है नंबर दो पे होता है एस चरण इसको संश्लेषण कहते हैं इसमें इस चरण के दौरान डीएनए होती है यदि कोशिका में डीएनए की प्रारंभिक मात्रा टूवन दर्शाई जाती है तो प्राकृति के बाद तो प्रवृत्ति के बाद में में के बाद ये दुग्नी हो जाती है, मतलब हो है। किसमें होता है ये संश्लेषण में जी टू लास्ट इस चरण के दौरान सेल आर्गे के गुणन स्पिडल गठन और सेल विकास के लिए आवश्यक आर प्रोटीन अन्य प्रोटीन मै, अन्य मैक्रोमेलेक्यूल्स का उत्पादन होता है कोशिका सेल माइटोटिक चरण में जाने के लिए तैयार हो जाता है तो ये तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं जी2 चरण के बाद अंतिम चरण जो आता है इसके बाद दोस्तों से, कोशिका सेल के दूसरे भाग जिसको माइटोसिस कहते हैं जी2 के बाद जो बचा हुआ सामान सकता है वो सारा किस में जाता है माइटोसिस में दोस्तों जाता है तो एम चरण जिसको माइटोसिस के नाम से जानते हैं इसको क्या कहते हैं यह दोस्तों माइटो माई, यह माइटोटिक चरण या समीकरण विभाजन का चरण होता है क्योंकि तो कोशिका एक ऐसी संतान को जन्म देने के लिए पूर्ण प्रगठन से गुजरती है सबसे लास्ट स्टेज है इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं इसके प्रकार की बात की जाए दोस्तों तो याद रखना माइटोटिक चरण में को चार अतिव्यापी चरणों में विभाजित किया जाता है एक होता है प्रोफेज एक होता है मेटाफेज एक होता है एनाफेज और एक होता है दोस्तों टोलोफेज ये कौन से ये टीलोफेज ये किसके फेज है यहाँ एम चरण यानी कि मेटोसाइसिस के फेस होते हैं मैंने आपको बहुत डिटेल में दोस्तों कवर कराया है ये बात याद रखना ये गुणसूत्रों से संबंधित आपका पूरा सेटअप था ठीक है भैया अगला चरण है दोस्तों भारत सरकार के किस अधिनियम के माध्यम से मोन्टेक्यू चैम्पोर्ट सुधार ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी और द्वैध शासन की प्रवृत्ति खत्म हुई थी 1935 में बट शुरू कब से हुई थी आपसे पूछा है इसी को हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट इसी को आप लोग और किस नाम से दोस्तों जानते हो इसको आप इसको आप लोग याद रख सकते हो कहने का मतलब है आल्सो नोन एज इनको आप लोग कहोगे आल्सो यानी कि दोस्तों आल्सो नोन एज इसको हम लोग क्या और भी कह सकते हैं याद रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वन के नाम से दोस्तों जानते हैं 1919 19, 19 के नाम से हम लोग इसको जानते हैं जब हमारे भारत के अंदर दोस्तों द्वैध शासन जब हमारे भारत के अंदर द्वैध शासन का दोस्तों प्रारंभ इसके तहत कर दिया जाता है दूसरी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है ठीक है ये भारत के अंदर लोकतांत्र ये भारत के अंदर दोस्तों याद रखना लोकतांत्रिक सिद्धांत की शुरुआत थी हमारे भारत के अंदर ये सही तो था लेकिन उतना नहीं था इसी के बेस पर आज भी हमारा भारत चलता है दोस्तों याद रखना ये लोकतांत्रिक सिद्धांत की हमारे भारत के अंदर पहली बार दोस्तों शुरुआत इसके तहत ब्रिटिश प्रशासन के तहत की गई थी इसको कैसे और कौन लाया था इसकी शुरुआत 1918 में दोस्तों हमारे भारत के अंदर जो राज्य सचिव थे हमारे भारत के अंदर जो दोस्तों राज्य सचिव थे उनका नाम क्या था उस व्यक्ति का नाम था एडविन उस व्यक्ति का नाम था एडविन मोन्टांगू मोन्टांगू और दोस्तों उस समय भारत के जब वायसराय के बारे में आपसे बात पूछ दी जाए उस समय वायसराय का नाम क्या था लॉर्ड लॉर्डोर्ड के नाम से चैंस के नाम से जानते हैं इन दोनों लोगों ने दोस्तों इन दोनों लोगों ने मिलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जिसको आप लोग दोस्तों मैंटेंग्यू चैंसोर्ड कहते हो इन दोनों का नाम मिलाकर मोन्टेंग्यू चैंसोर्ड के नाम से इसको दोस्तों हम लोग जानते हैं या इसको याद रखना मॉन्टफोर्ड सुधार के नाम से इसको मॉन्ट फोर्ड सुधार के नाम से भी हम लोग दोस्तों जानते हैं ये भारत के अंदर लागू कब होता है ये भारत के अंदर याद रखना बना 1918 में आया 1909 में लेकिन दोस्तों याद रखना ये 1921 में जाके लागू हो पाता है इसके लागू होने की तिथि क्या होती है 1921 में दोस्तों ये जाके लागू हो पाता है इसमें भारत के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछेगा महत्वपूर्ण परिवर्तनों में पहला पॉइंट आपके सामने है सबसे पहले विधानमंडल में सुधार क्या हुआ तो ध्यान देना विधानमंडल के अंदर विधान विधानमंडल की व्यवस्था हुई इसमें इस अधिनियम ने द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की निचला सदन या केंद्रीय विधानसभा और उच्च सदन या जिसको आप लोग राज्य परिषद के नाम से जानते हो दूसरा पॉइंट निचले सदन की संरचना कैसे इसने की तो निचले सदन की जो इसने दोस्तों ये कहा है इसने निचला सदन या केंद्रीय विधानसभा और एक होता है उच्च सदन जिसको राज्य विधानसभा तो की, की।, की थी तो निचले सदन में कुल मिलाकर एक इन्होंने नियुक्त किए उसके अंदर दोस्तों याद रखना तीन वर्ष का कार्यकाल प्रत्येक व्यक्ति का था इकतालीस इन एक में दो में बांटा गया इकतालीस नामांकित किए गए इसमें 26 सरकारी होंगे और 15 गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया जाएगा एक सौ चार निर्वाचित किए गए सदस्य सोचो एक <coughs> सौ में इकतालीस सदस्य नामांकित थे एक सौ चार सदस्य निर्वाचित थे निर्वाचित में बावन सामान्य जन से कैटेगरी से थे तीस मुस्लिम थे दो सिख थे और बीस को दोस्तों आदर से लिया गया था आगे आओ ये पीसीएस तक का लेवल है ध्यान रखना <coughs> अगला उच्च सदन की संरचना उच्च सदन में साठ सदस्य होंगे इन्होंने दोस्तों उच्च उच्च सदन सदन में क्या कहा सदन जिसको आप लोग का कितना बताया इन्होंने दोस्तों पांच वर्ष का कार्यकाल बनाया और इसके अंदर कंडीशन क्या रखी सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही होंगे नहीं उस समय उसमें सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही थे इनके दो पॉइंट हैं छब्बीस इसमें नामांकित थे और सदस्यों दोस्तों निर्वाचित किया था खत्म हो गया द्वैध शासन का परिचय क्या है सर इसने द्वैध शासन की शुरुआत की मतलब इस अधिनियम ने प्रांतीय सरकार के स्तर पर कार्यपालिका के लिए द्वैध शासन मतलब दो व्यक्तियों या पार्टियों का शासन की शुरुआत की थी एक जगह पर दो पार्टियों की सत्ता चलेगी कुछ इस प्रकार से आठ प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था सर्वप्रथम द्वैध शासन कुल कितने प्रांतों में लागू किया गया था तो आठ प्रांतों में टफ क्वेश्चन तब बनेगा निम्नलिखित में से किस प्रांत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत द्वैध शासन लागू नहीं हुआ था क्वेश्चन ऐसे टफ बनता है ये पेपर ये क्वेश्चन बन गया पीसीएस यूपीएससी लेवल तक का समझ गए सेम एज आठ प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया कौन-कौन से प्रांत थे एक असम हो गया बंगाल है बिहार है उड़ीसा है मध्य प्रांत है सिक्त प्रांत है एक बॉम्बे है एक मद्रास और एक आपका पंजाब है कुल आठ आपको ये पॉइंट याद रखने हैं दोस्तों द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकारों को अधिक शक्तियां दे दी गई थी लोबैया अगर पूछे जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत द्वैध शासन प्रणाली में सबसे ज्यादा पावर किसके पास थी प्रांतीय सरकारों के पास में गवर्नर को प्रांत में कार्यकारी प्रमुख दोस्तों होना था ये बात आपको याद रखनी है खत्म अगला देखो हाथी गुफा से किस भाषा में दोस्तों उत्कीर्णित है किस भाषा में उत्कीर्णित है इसने किसके द्वारा इसको उत्कीर्णित किया गया उस राजा का नाम था दोस्तों खारवेल किस राजा के द्वारा तो उस राजा को आप लोग खारवेल के नाम से जानते हो जिसने इसको दोस्तों उकरवाया था या उकेरा था पत्थरों पर उकेरा था ये कहां पर आपको मिलेगा जब हम लोग हाथी गुफा दोस्तों शिलालेख की बात करते हैं की बात करते हैं हाथी गुफा की बात करते हैं ये आपको कहां पर वर्तमान में देखने के लिए मिल जाता है बहुत छोटा सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो स्थान आपका है ये कहां पर है ये स्थान याद रखना आपकी उड़ीसा यह स्थान कहां पर है ये आपकी उड़ीसा उड़ीसा का दोस्तों भुवनेश्वर कैपिटल और इस भुवनेश्वर के पास में दोस्तों एक पहाड़ी है जिन पहाड़ियों को आप लोग उदयगिरी के नाम से जानते हो इन उदयगिरी पहाड़ियों पर दोस्तों हाथी गुफा जो सिलाल, है जो शिला लेख है यहां आप पर आपको ये शिला लेख यहां पर आपको ये शिला लेख देखने के लिए मिलता है दूसरी बात याद रखना दोस्तों ये जो खारवेल राजा था ये कौन था ये दोस्तों याद रखना कलिंग का राजा था ये कहा का राजा था ये याद रखना आपके दोस्तों कलिंग का राजा था कलिंग पर युद्ध किसने किया था कलिंग के द्वारा दोस्तों याद रखना जो युद्ध किया गया था वो सम्राट अशोक के द्वारा जब इसने पूरा का पूरा ये क्षेत्र जीत लिया था जीतने के बाद में कहा जाता है सोचो ये क्वेश्चन दो प्रकार से पेपर में पूछा गया क्वेश्चन जो ऊपर से सही हुआ है उसमें इन्होंने आंसर दोस्तों पाली दिया है चलो दोस्तों सम्राट अशोक यहां पर पहुंचा बाद में आपने चलो पाली पाली भाषा घोषित कर दिया लेकिन कई जगह पर यह कहा जाता है चूंकि खारवेल का संबंध दोस्तों जैन धर्म से था खारवेल का सम जैन धर्म से था तो इसको प्रकृत भाषा में दोस्तों लिखा गया था ये दोनों त्रुटिपूर्ण क्वेश्चंस आपस में बनते हैं अब तो क्वेश्चन का आंसर दोस्तों पाली ही माना गया है क्योंकि खारवेल का संबंध जैन से था तो भाषा प्रकृत होगी ना कि पाली होगी जब ऑप्शन में है ही नहीं तो क्या ही करोगे इस प्रकार से आप इसको याद रखोगे ठीक है सर मॉडल पेपर लेना चाहिए रेशमा निशाद जी

ये बताने वाली बात नहीं है क्योंकि तो अगर मैंने बता दिया ना तो फिर चीजें प्रॉब्लम में आ जाएंगी मेरे लिए तो बात यह है कि आप ऐसे ही चलने दो जिसको पढ़ना है वो पढ़े रही बात मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट की मैं पच्चीस पच्चीस क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट इसी लेके ले आता हूं खैर जाने दो तो यहां पर बात आपको पता चल गई पाली करेक्ट आंसर इस क्लास में 2024 में इस क्लास के अंदर उन सभी स्टूडेंट के लिए मेरे अलर्ट, मेरे लिए अलर्ट है 2024 तो दो में दोस्तों जितने भी एग्जामिनेशंस आप लोगों के होने वाले हैं जितने भी एग्जामिनेशंस और अगर आप जीके जीएस या करंट अफेयर में बिल्कुल लूज महसूस करते हो और क्लासेस अगर आपको करवाई जाती तो इतनी सारी करवाई जाती तो आपको समय नहीं आता कि कहां से कैसे क्या करें तो आप मेरे साथ रेगुलर रह सकते हो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा यह पर्सनल तौर पर मेरा आप लोगों से वादा है इसके बार, इसके बाद बाद अगर कोई कोई स्टूडेंट स्टूडेंट किसी का खुश होते हैं हैं ना के दिमाग चलते उनसे खैर मेरा कोई मतलब नहीं है जो मैंने पॉइंट बताया बस इसको याद रखना बाकी दोस्तों आप लोगों की मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हो चल ये क्वेश्चन पता चल गया रिलेटेड टू पाली अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दूसरी बात आपको मैं यहाँ पे बता दू हाथी गुफा जो अवलेख है इसमें महत्वपूर्ण बात कौन सी थी इसमें महत्वपूर्ण बात निम्न से कौन सी थी या इसमें ऐसा दोस्तों क्या था इसके अंदर याद रखना दोस्तों प्राचीन भारत का इसके अंदर क्या था सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना इसमें प्राचीन भारत के बारे में बताया तो गया था लेकिन इसमें प्राचीन भारत के पूर्वी भारत का बहुत ज्यादा दोस्तों विश्लेषण किया गया था दूसरी बात इसमें इस शिलालेख के अंदर विभिन्न प्रकार से धार्मिक मूल्य धार्मिक मूल्य इसके अंदर विभिन्न प्रकार की ढांचागत परियोजनाएं इसके अंदर किस प्रकार से सैन्य अभियान चलते थे और कल्चर के बारे में समाज तथा और याद रखना दोस्तों समाज तथा संस्कृति और समाज तथा जो संस्कृति थी इसके बारे में विस्तृत विश्लेषण दोस्तों इसके अंदर किया जाता है ऐसा ही आपका क्वेश्चन था ठीक है भैया अगला देखो विख्यात सिंधी सारंगी वादक लाखा खा, किस राज्य के दोस्तों निवासी थे ये वो व्यक्ति है जिनको पद्मश्री पुरस्कार दो हजार दोस्तों 21 में सौंपा गया था इनका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से था इनका संबंध याद रखना आपके राजस्थान से था जो हम लोग बात करते हैं दोस्तों हमारे विख्यात सिंधी सारंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिंगी सिंधी सारंगी सिंधी सारंगी से संबंधित अगर आपके पेपर में अन्य क्वेश्चन पूछे गए तो क्या करोगे अन्य क्वेश्चन चार से पांच नाम बता देता हूं उन सबका संबंध नारंगी से है नाम क्या है एक का नाम याद रखना दोस्तों राम रामायण एक का नाम है राम रामायण एक का नाम है दोस्तों राम रामायण एक का नाम होगा याद रखना दोस्तों सुल्तान खान एक का नाम सुल्तान खान एक का नाम है अब्दुल अब्दुल करीम खान एक का नाम है अब्दुल दोस्तों करीम खान एक का नाम है अब्दुल लतीफ खान एक का नाम है अब्दुल लतीफ खान एक का नाम है दोस्तों याद रखना अहमद एक का नाम है अहमद खान और एक का नाम याद रखना गोपाल मिश्र और एक का नाम होगा गोपाल मिस्र ये सारे वो लोग हैं जिन सबका संबंध दोस्तों किससे है आपके सिंधी सारंगी से है इन सबका संबंध सिंधी सारंगी से है नेक्स्ट इल्तुतमिश का कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंध क्या था कुतुबुद्दीन सॉरी इल्तुतमिश का कुतुबुद्दीन ऐबक से निम्न में से दोस्तों संबंध अगर था तो क्या था मतलब आप दो ऐसे शासकों के बारे में मेरे साथ पढ़ोगे जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जैसे कि अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना फिर से यह क्वेश्चन दोस्तों आ जाता है दिल्ली सल्तनत से फिर से यह क्वेश्चन आपके सामने आता है दिल्ली सल्तनत से बोलो हा दिल्ली सल्तनत वो सल्तनत है जिसके कुल मिलाकर पांच महत्वपूर्ण वंश हुए इन पांच महत्वपूर्ण वंशों में पहला जो वंश निकल के आया इसको हम लोग दोस्तों याद रखना गुलाम गुलाम वंश के नाम से या फिर दोस्तों मामलुक या फिर मामलुक वंश के नाम से जानते हैं इसका दोस्तों जो पहला शासक था इसका जो पहला शासक था उसको हम लोग इल्तुतमिस के नाम से जानते हैं इल्तुतमिस वो था इसका कार्यकाल 12 से 11 से लेके दोस्तों इल्तुतमिस 12 से 11 से लेके नहीं 1206 सो स्थापना हुई थी में तो 1206 से लेके 1200 दोस्तों दस तक चार साल तक इसका कार्यकाल रहा था एक बात बताइए स्थापना की नहीं थी हो जाती है क्यों क्योंकि तो इल्तुतमिश जो था दोस्तों ये किसी का गुलाम था अच्छा सर किसका गुलाम था इल्तुतमिश जो था दोस्तों वो याद रखना है आपको ये आपका मोहम्मद गौरी का निजी सहायक था या गुलाम था किसका था याद रखना दोस्तों आपके मोहम्मद गौरी का किसका था मोहम्मद गौरी मोहम्मद गौरी का गुलाम दोस्तों कौन था मोहम्मद गौरी का गुलाम था उसको आप लोग इल्तुतमिश के नाम से जानते हो चलो सर ठीक है यहां तक मेरी बात आपको समझ में आई होगी अब पहली मेरी बात से सुनना आंसर आप ऑटोमेटिकली लगा लोगे जाके ठीक है ठीक है जिसका भी आंसर ए आ रहा है दमाद दमाद कैसे पहले वो समझो ताकि दोबारा कभी भी ना भूलो तो इतनी बात सबको समझ में आ गई कि गुलाम मामलुक वंश की स्थापना दिल्ली सल्तनत कार्यकाल बारह सौ छह से दो हजार दस तक चला ये इसकी इसने स्थापना गुलाम वंश के नाम से ही क्यों की क्योंकि ये खुद मोहम्मद गौरी का गुलाम था इतनी बात आपको दोस्तों यहाँ पर कवर हो गई दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो आपकी यहाँ पर रहेगी इसने के शासन काल में या दोस्तों जो इल्तुस में था कर क्या रहे हैं यार ओके खुद बिजन एब ंग थोड़ा सा और ही चल रहा था जब हम लोग दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जब हुई तो इसके अंदर दोस्तों पांच वंशों में जो पहला वंश था जब उसको आप लोग मामलुक या गुलाम के नाम से जब आप लोग इसको गुलाम या फिर या फिर मामलुक के नाम से दोस्तों जानते हो या फिर मामलुक वंश के नाम से जानते हो इसकी स्थापना कहा कर दी होगी कुतबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी स्थापना किसके द्वारा कुतबुद्दीन दोस्तो, दोस्तों ऐबक के द्वारा इसकी स्थापना की गई जिसका कार्यकाल बारह से छह सो दोस्तों दस तक चलता है यह किसका गुलाम था यह मोहम्मद गौरी का ये दोस्तों याद रखना यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था यह निजी सहायक था ये मोहम्मद गौरी का याद रखना दोस्तों निजी सायक था। निजी था को आप लोग गुलाम ही कहोगे तो याद ये याद रखना ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था अब सही है अब सही है फिर पहले कमेंट करके बताओ राधा दुबे जी बिल्कुल वो तो लगानी ही है वो तो लगानी ही है तो कुतबुद्दीन ऐबक ने स्थापना बारह सो छह में बारह दस तक की मोहम्मद गौरी आपको यहां तक डाटा पूरा कवर कर दिया इसके बाद जब आप दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ोगे इस क्वेश्चन में तो आपको यहां पर पढ़ने के लिए मिलेगा ये दोस्तों कुतुबुद्दीन वो था जिसके द्वारा क्या करवाया गया था इसके द्वारा याद रखना कुतुब उल इस्लाम इसके द्वारा कुतुब उल इसके द्वारा याद रखना दोस्तों कुतुब उल इस्लाम मस्जिद इसके द्वारा क्या करवाया गया था इसके द्वारा कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया मस्जिद का निर्माण कराया गया इसी के द्वारा अढ़ाई दिन का जो धोपड़ा था वो भी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल में याद रखना दोस्तों इसी कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल में ध्यान से मेरी बात सुनना ये शासन काल की है ना कि इसी के द्वारा इसी के शासन काल के अंदर एक सूफी संत हुआ करता था जिसका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन जिसका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन इसने क्या करवाया था इसने याद रखना दोस्तों आपकी कुतुब मीनार इसने क्या करवाया था इसने दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण कुतुब जो मीनार थी दोस्तों इसका जो निर्माण था यह सिर्फ और सिर्फ निर्माण दोस्तों शुरू हो गया था इसके शासनकाल में यह निर्माण शुरू हो गया था निर्माण के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का नामकरण हुआ और कुतुबुद्दीन ऐबक को याद रखना लाख बख्श के नाम से किस नाम से लाख बख्श के नाम से इसको लाख बख्श की उपाधि दे दी गई लाख बख्श की उपाधि देने के बाद में पता चलता है कि कुतुबुद्दीन की दोस्तों एक पुत्री भी थी क्या पता चलता है कि कुतुबुद्दीन की एक पुत्री थी उस पुत्री का नाम क्या था कुतुब बेगम उसका नाम क्या था याद रखना दोस्तों कुतुब कुतुब बेगम इनका नाम था कुतुब याद रखना दोस्तों बेगम इनका नाम था इस बेबन इस बेगम का जो विवाह दोस्तों हो जाता है इस बेगम का जो विवाह होता है, है? है। पति बन जाता है तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक का संबंध जो इल्तुस्मु से है इनके मध्य में दामाद का रिश्ता है क्यों है कैसे है कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री का नाम था दोस्तों कुतुब आ, कुतुब आ, आपकी बेगम और इनका विवाह इल्तुतमिश के साथ दोस्तों कर दिया जाता है जब हम लोग बात करते हैं विवाह इल्तुतमिश के साथ कर दिया जाता है तो इल्तुतमिश जो व्यक्ति है इसका कार्यकाल 1211 से लेकर 1236 तक चलता है अब आप दिमाग ये दौड़ाओ जब दिल्ली सल्तनत में प्रथम जो अभी चला है गुलाम वंश 1206 से लेकर 1210 तक तो रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक और 1210 के बाद 12 सो बारे से 10 से 11 के मध्य में कौन था क्योंकि 11 से 36 तक तो आ गया इल्तुतमिश लेकिन 10 से 11 के बीच में कौन था तो 10 से 11 के बीच में जो था दोस्तों उसका नाम था आराम शाह इनको गिना नहीं जाता क्योंकि ये नॉर्मल तौर पर थे आराम शाह था आराम शाह का कार्यकल 1210 से स्टार्ट होकर दोस्तों 1211 तक जाता है और 11 से उपाधि ले लेता है अपने वंश की ठीक है कौन ले लेता है ऐसे आप इसको जानोगे इलतुस्मिस जो व्यक्ति है दोस्तों इलतुस्मिस इसका अन्य नाम क्या है इसको याद रखना हम लोग शमशुद्दीन इसको हम लोग अन्य अन्य बात में शमशुद्दीन इलियास के नाम से याद रखोगे इल्तुतमिश को हम लोग शमसुद्दीन इंतियास के नाम से जानते हैं ये बात याद हो गई ये किसका दामाद था कुतुबुद्दीन दोस्तों ऐबक का दामाद था इसने क्या सबसे बड़ा काम किया इसने दोस्तों जो राजधानी थी इसने दोस्तों याद रखना लाहौर से राजधानी को उठाकर कहा कर दिया इसने राजधानी को लाहौर से उठाकर दोस्तों कहा पहुंचा दिया दिल्ली याद रखना पहुंचा दिया था इसी के शासन काल में याद रखना जो कुतुब जो आपकी कुतुब मीनार थी जो कितुब मीनार थी जिसका निर्माण दोस्तों ख्वाजा कुतुबुद्दीन कुतुब कुद्व, कुतुब के द्वारा शुरू किया गया था इस इन, इसका जो दोस्तों निर्माण था वहां पर शुरू किया गया था और यहाँ पर दोस्तों ये पूरी हो चुकी थी ठीक है तो बनी किसके काल काल में कुतुबुद्दीन ऐबक के काल काल में पूरी किसके काल काल में हुई तो याद रखना आपके इल्तुतमिश के काल में इसको पूरी तरीके से पूरा कर दिया गया था हमारे भारत के अंदर एकता हमारे भारत के अंदर एकता या एकतादारी या दोस्तों याद रखना एकतादारी की जो प्रथा थी एक प्रकार का टैक्स था ये प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा ये प्रथा दोस्तों शुरू की गई थी इल्तुतमिश जो थे दोस्तों याद रखना बारह में इल्तुतमिश का बारह सौ च... तक छत्तीस में याद रखना इल्तुतमिस का निधन हो जाता है इन्होंने अपने पुत्र को इन्होंने अपने पुत्र को उत्तराधिकारी ना बनाकर अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपनी पुत्री याद रखना दोस्तों रजिया सुल्तान को क्या बना दिया याद रखना दिल्ली सल्तनत की रानी बना दिया ये प्रथम पहली महिला दिल्ली सल्तनत की मुस्लिम शासक बनने वाली पहली महिला थी ये बात आपको दोस्तों रजिया सुल्तान से याद रखनी है यहां से क्वेश्चन मैं आपके पेपर में पूछता है क्यों बेटे को क्यों नहीं बनाया क्योंकि ये ये कहते थे कि इनका बेटा उस योग्य नहीं है ऐसे ये क्वेश्चन आपको याद रखना था समझ गए दामाद क्यों क्या कैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने है वजयंती काशी कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की उन्नायक हैं बताइए दोस्तों इनका संबंध किससे है इनका संबंध आपको बताना है दोस्तों अब किससे है हाँ जी एक मैराथन मतलब एक मैराथन क्या हर सब्जेक्ट की एक-एक मैराथन हो जाए ना बहुत सही रहेगा हर सब्जेक्ट की कंप्यूटर के हर सब्जेक्ट एक मैराथन होगी तो काफी चीजें बेटर रहेंगी ठीक है हो जाएगी परेशान मत होइए की लंबाई सर दो सौ सैंतीस पॉइंट कुछ है ठीक है मीटर में सॉरी फीट में मीटर में कहा हो जाएगी फीट में इक्कीस दो सौ सैतीस इक्कीस वही लगभग तेहत्तर चौहत्तर मीटर ठीक है अप्रोक्सर बहत्तर दशमलव पांच साढ़े बहत्तर लगभग बैठेगी जाके ठीक है रूबी मेहरा जी आ, सर मैराथन ले लीजिए आपका एग्जाम कब है देखो एक तो कल दोपहर में एक बजे आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल मेरी क्लास होने वाली है एज अ मैराथन के तौर पर ठीक है एक एज अ मैराथन के तौर पर एक क्लास ऑलरेडी होने वाली है सो डोंट वरी क्लियर चलिए दोस्तों क्वेश्चन है काशी कौन सी भारतीय नृत्य शैली से रिलेटेड थी इनका संबंध याद रखना आपके कुछ से था सेम क्वेश्चन ये पद्म से है अगला भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष दोस्तों शुरू की थी भारत सरकार ने सबसे पहले हमारे भारत के अंदर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना है इस स्थापना को किस वर्ष हमारे भारत में शुरू किया गया था इन विच डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूरल बैंक बताइए यहां पर सहकारी बैंकों की बात नहीं पूछी गई है यहां पर दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की बात पूछी गई है तो भारत के अंदर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना दोस्तों कब और किसके द्वारा अगर कह दी जाए भारत के अंदर दोस्तों भारत की पहली आर बोर्ड का शुभारंभ किस राज्य में हुआ तो पहली आर बैंक पहली आर या आर आरबी के क्या है रीजनल रूरल बैंक आर ये दोस्तों याद रखना आपके उत्तर प्रदेश में भारत के अंदर बात की जाए तो ये आपके उत्तर प्रदेश के अंदर और पुलिस स्पेशल उत्तर प्रदेश में दोस्तों किस स्थान पर वो स्थान है आपका मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भारत की पहली आरआरबी बैंक दोस्तों ओपन की गई थी अब टोटल भारत के अंदर आर आर बैंकों की संख्या कितनी है हमारे भारत के अंदर टोटल आरआरबी बैंकों की संख्या दोस्तों याद रखना आपकी तैतालीस हो जाती है अगर आपके पेपर में कहा जाए स्थापना हुई थी तो याद रखना दोस्तों जो अधिनियम की शर्तों पर इसकी इसकी स्थापना 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 हुई हुई थी थी में में तो याद रखना ओरिजिनल डेट आपके पेपर में पूछ दी जाए तो छब्बीस सितंबर की डेट दोस्तों आप लोग याद रखोगे क्या याद रखोगे छब्बीस छब्बीस सितंबर को तो एक्ट आया था छब्बीस सितंबर को याद रखना एज आट था स्थापना जो हुई थी तो याद रखना दो अक्टूबर स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को सर्वप्रथम दोस्तों कर दी गई थी इस प्रकार से आपको याद क्वेश्चन रखना है। हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है 2011 के सत्तानवे संविधान संशोधन अधिनियम ने डैश से संबंधित राज्य राज्य नीति का एक नया सिद्धांत जोड़ा था उस सिद्धांत का नाम निम्नलिखित में से दोस्तों क्या होगा उस सिद्धांत का नाम निम्न में से दोस्तों क्या होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताइए आंसर हो क्या क्या सकता है है? आपके सामने क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? 2011 के संविधान संशोधन अधिनियम ने डैश से संबंधित राज्य नीति का एक नया निदेशक सिद्धांत जोड़ा है कल जैसा कि आपको मैंने वादा भी किया दोस्तों एसीआई का पेपर याद है सबको कि नहीं कि भूल गए ए का दोस्तों जो एग्जाम आपका हो चुका है

जीके जी करंट अफेयर के ये पहला एग्जाम था जिसमें करंट अफेयर के अलग से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो अपनी क्लास से थे. क्लियर है? कल स्क्रीन आ रहे हैं ध्यान रखना तो के अनुसार क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों सबसे बड़ी बात सत्तानवे संविधान संशोधन अधिनियम ने से संबंधित राज्य नीति का एक नया निर्देशक सिद्धांत जोड़ा था इसको आप लोग दोस्तों सहकारी समितियों के रूप में जानते हो इसको आप लोग दोस्तों सहकारी समितियों के रूप में जानते हो चलो ठीक है अगर मान लो इनको हम लोग सहकारी समितियों के रूप में जानते हैं सहकारी समिति या फिर दोस्तों ये जो संशोधन हुआ था या फिर कह सकते हो कि सत्तानवेवा संविधान संशोधन 2011 में जो हुआ 2011 में दोस्तों यह जो संविधान संशोधन हुआ इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें याद रखना भारत के संविधान ने इसके अंदर याद रखना भारत के संविधान में तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे तीन दोस्तों याद रखना महत्वपूर्ण परिवर्तन इसके तहत किए गए थे ठीक है अब ये महत्वपूर्ण तीन परिवर्तन कौन कौन से थे इसमें याद रखना पहला परिवर्तन यह था कि जो तो सहकारी समितियां थी इनको दोस्तों क्या बना दिया गया फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया ये पहला पॉइंट है किस आर्टिकल में है आर्टिकल नंबर आप लोग उन्नीस e, तक है क्लियर है में नंबर दूसरा जो परिवर्तन हुआ है वो ये हुआ है दोस्तों राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में इनको डी पी एस पी में राज्य के लिए शामिल किया गया किस आर्टिकल के अंदर आर्टिकल याद रखना दोस्तों तेतालीस के आर्टिकल तेतालीस के बी के अंदर इसको शामिल किया गया यह भी याद हो गया तीसरा दोस्तों परिवर्तन क्या हुआ संविधान के संविधान सम, के अंदर आ, अनुसूचियों में अनुसूची नौ में याद रखना अनुसूची नौ में बी जोड़ दी गई ए पहले से थी बी जोड़ दी गई तो बी में दोस्तों सहकारी समितियों से इंडियन पॉलिटी में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है आर्टिकल दो के जेड एच से लेके आर्टिकल दो के जेड टी तक जो आर्टिकल है वो सहकारी समितियों से है अब आपका दिमाग दोस्तों थोड़ा सा घूमेगा और यह घूमेगा सर बात यहां पर ये नौ क्या है नौ यहां पर दोस्तों शिड्यूल है इसको आप आप लोग अनुसूची के के नाम से जानते हो कहोगे सर भारत मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या तो आठ ही थी ना तो अनुसूची नौ कहां से हुई और नौ मान लो हो गई तो नौ का ए कहां गया जो बी आ गया आप पूछोगे पूछा करो यार देखो पूछोगे तो फायदा आपका है आज नहीं तो कल लेकिन है जरूर ठीक है चलिए आपके हक का अधिकार कब आता है जब स्क्रीन शॉट आते हैं वो होता है आपका सच का अधिकार यहां पर डाल लो दोस्तों भारत की महत्वपूर्ण अनुसूचिया भारत की महत्वपूर्ण अनुसूचिया लेकिन सारी नहीं पढ़नी है क्यों क्योंकि ये टॉपिक वो नहीं है अनुसूचियों में दोस्तों याद रखना जब हम लोग बात करते हैं मूल संविधान की तो भारत के अंदर मूल संविधान के अंदर आठ अनुसूचियां थी Osionfish. इसके बाद वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या अगर आपके पेपर में पूछ दे वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या दोस्तों कितनी हुई बारह तो आठ से जब अनुसूचिया बारह होगी तो यहां क्या हो गया होगा दोस्तों ये चार समितियां कैसे आई चार अनुसूचिया याद रखना भारत के अंदर चार बार संविधान संशोधन हुए हैं चार बार दोस्तों ये मूल संविधान संशोधन है और इन चारों के बाद जो आठ जो चारों के बाद में अनुसूची दोस्तों नौ आई उसके बाद अनुसूची दस आई उसके बाद दोस्तों अनुसूची ग्यारह आई उसके बाद अनुसूची बारह आई लेकिन इनके अंदर भी संविधान संशोधन हुए हैं जैसे नौ का ए जोड़ा गया इसके तहत का ए आ गया था नौ का बी कब आया ये देखो नौ का बी है समझ गए तो यहाँ पर का बी आपने पढ़ा है नौ का ए नहीं तो नौ का ए यहाँ पढ़ोगे अब सुनो एक तरफ से जब नौवीं अनुसूची की मेरे दोस्तों हम लोग बात करते हैं नवीन सूची को कब जोड़ा गया तो भारत के अंदर पहला संविधान संशोधन याद रखना दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन प्रथम दोस्तों याद रखना संविधान प्रथम संविधान संशोधन भारत के अंदर पहली बार हुआ था 1951 में 1951 में भारत के अंदर पहली बार दोस्तों संविधान संशोधन कर दिया गया इसमें क्या दिया गया और इसमें याद रखना दोस्तों न्यायालय को चुनौती नहीं दी जा सकती थी वगैरह काफी चीजें थी उनको इग्नोर करो अभी प्रथम संविधान संशोधन उन्नीस सौ इक्यावन दोस्तों जोड़ दिया गया लेकिन इसमें हमारे भारत के अंदर ऐसी कौन सी बातें थी दोस्तों जो ऐड की गई थी ठीक है इसका जो संबंध था दोस्तों याद रखना इसको हम लोग भूमि सुधार के नाम से ये केशवानंद भारती के से संबंधित है इसको याद रखना हम लोग भूमि सुधार से लैंड रिफॉर्म्स के नाम से उसको जानते हैं भूमि सुधार के नाम से जानते हैं इस अनुसूची में कुल मिलाकर दोस्तों याद रखना इस अनुसूची के अंदर कुल मिलाकर तेरह कानून जोड़े गए थे इसके अंदर याद रखना दोस्तों दो विषय हैं। इस पर विषयों की संख्या कितनी है इसमें याद रखना दोस्तों दो विषय है इसका गठन किस कैसे किया गया इसका गठन दोस्तों याद रखना मौलिक अधिकार मैंने बताया था मौलिक अधिकार में आर्टिकल इकतीस बी में आपको ये चीज देखने के लिए मिलती है कि आर्टिकल 31 तो हमारे संविधान में है ही नहीं है निश्चित कर दिया गया क्योंकि वो मौलिक क्योंकि वो आपका रिलेटेड uh, टू uh, संपत्ति था इसलिए उसको हटा दिया गया तो आर्टिकल इकतीस बी में आपको दोस्तों ये चीज देखने के लिए मिलती है क्लियर होगी ये बात

इसके अंदर नेताओं के द्वारा जो दल बदल करने की प्रक्रिया होती है वो वर्तमान में कहां पर देखने के लिए मिल रही है, है। ग्यारहवीं जो अनुसूची है इसको याद रखना दोस्तों तिहत्तरवे संविधान संशोधन उन्नीस के तहत जोड़ा गया इसमें आपको क्या मिला? मिलता है इसमें आपको याद रखना दोस्तों पंचायती राज इसमें आपको पंचायती राज संस्थाओं के बारे में पढ़ाया जाता है जब बात करते हैं बारहवीं अनुसूची की बारहवीं अनुसूची को याद रखना दोस्तों चौहत्तरवे संविधान संशोधन उन्नीस के द्वारा ही दोस्तों लागू किया गया इसमें आपको क्या मिलता है इसमें आपको याद रखना दोस्तों कह सकते हो अः कैसे बताएं स्थानीय स्वशासन कह दो नगर पालिका जिसको कहते हो स्थानीय शासन स्थानीय स्वशासन स्थानीय दोस्तों स्वशासन या इसी को हम लोग दोस्तों याद रखना नगर पालिकाओं के बारे में जानते हैं उनका अलग ही चलता है ना तो ये नगर पालिका ये आपके कुल मिला के चार अनुसूची आपके सामने यहाँ पर पहली बार गड़बड़ क्या हुई थी इक्यावन सुधार के नाम जाना जाता है तेरा कानून दो विषय है और इसका गठन अनुच्छेद इकतीस बी के तहत किया गया था ये क्वेश्चन आपका सामने पूरा दोस्तों खत्म हो जाता है इसी के साथ आगे आओगे कि निम्नलिखित में से कौन सी कौन सा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का एक अवयव नहीं है प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 जो आया था इसने किसका स्थान लिया था सबसे पहले हमारे भारत के अंदर अवरोधक व्यवहार अधिनियम था हमारे भारत के अंदर सबसे पहले क्या था अवरोधक अधिकार हमारे भारत के अंदर अवरोधक अधिकार अधिनियम अधिनियम उन्नीस था फिर इसको याद रखना इसका स्थान किसने लिया तो इसका स्थान दोस्तों लिया हमारे भारत के अंदर प्रतिस्पर्धा अधिनियम प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 ने दोस्तों ले लिया स्थान और ये दोस्तों भारत के अंदर लागू कब हो गया ये 2000 दोस्तों तीन में लागू हो जाता है हमारे भारत के अंदर ठीक है इसमें से एक तत्व इसका कौन सा नहीं है ये आप बताओ

इसका जो मुख्यालय होगा वह आपके दोस्तों नई दिल्ली के अंदर होगा अगर पेपर में कहा जाए सर इसके वर्तमान में चेयरमैन का नाम क्या है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन का नाम क्या है तो नाम होगा उनका रवनीत कुमार नाम क्या है रवनीत कुमार इनका नाम है इसकी हाल ही में दोस्तों सेग्रेटरी जनरल का नाम बताइए जो सचिव बनी है महासचिव कह सकते हो सिक्रेटरी जनरल आप में से कोई भी हो सिक्रेटरी कहोगे सचिव कहोगे सचिव वर्तमान में प्रतिस्पर्धा आयोग की सचिव का नाम निम्नलिखित में से क्या होगा और दिए गए ऑप्शन में आंसर क्या होगा बी आंसर आ रहा है जिसका भी बी है अब एक बार दिमाग लगाओ सबसे पहले प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का अवयव नहीं है इसका आयोजन क्यों किया गया था ताकि हमारा भारत आत्मनिर्भर बन सके और आगे बढ़ सके क्लियर मनमोहन सिंह की सरकार तो संयोजन का नियमन व्यापार का निषेध प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते का निषेध प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग नहीं है का मतलब याद रखना व्यापार करने इसमें व्यापार करने नहीं किया गया वही तो करना है करो व्यापार तभी आगे तो आगे बढ़ोगे बिजनेस तो यहां पर रूप में दोस्तों किसको नियुक्ति दी गई है तो नाम याद जिदगर इनका नाम याद रखना दोस्तों ज्योति जिदगर भगत इनका नाम है इनकी नियुक्ति हाल ही में दो के अंत में की गई थी ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था क्लियर है अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कौन सा संवैधानिक कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में ग्यारहवें मौलिक कर्तव्य को जोड़ने से संबंधित था भारत के अंदर ग्यारहवा बताइए आंसर क्या होगा भारत के अंदर ग्यारवा सॉरी भारत के अंदर दोस्तों ग्यारवा जो मौलिक कर्तव्य था उसको जोड़ा गया था कैसे ग्यारहवा जोड़ा गया था ग्यारा दोस्तों कैसे जोड़ा गया था हाँ वो दोस्तों तरीका अलग है वो तरीका अलग है देखो सिलेक्शन के दो पहलू होते हैं सिलेक्शन सिलेक्शन के के दो पहलू होते हैं पहला पहलू कौन सा होता है पहला पहलू होता है याद रखना दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड और दूसरा पहला दूसरा होता है कि एक वैकेंसीज है और एक ही बच्चा उसको देने वाला है ये दो पहलू होते हैं लेकिन भारत के अंदर कौन सा पहलू है एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम कराए जाते हैं तो ध्यान रखना अगर आपने अपने पेपर को एनालिसिस नहीं किया फिर आप पीछे रह जाओगे अब देखो सबसे बड़ी बात आती है ऑनलाइन में सबसे अच्छी चीज पता कौन सी है टीचर जो अपनी बात बोलता है वो यूट्यूब पर बोलता है वो चीज रिकॉर्ड होती है स्टूडेंट कभी भी उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं ठीक है लेकिन स्टूडेंट को अपना हक नहीं पता इसीलिए भारत का हर स्टूडेंट आज सबसे पीछे लाइन में खड़ा होता है उसकी वजह यही है डरता है वो डरपोक है इसीलिए मैं आपसे कहता हूं अपने अंदर के भूत जंजाल को बाहर निकालो सक्षम बनो खुद और अपने परिवार को भी बनाओ है ना स्किल डेवलपमेंट कहते हैं इसको तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि दोस्तों देखो एग्जाम निकाल या जॉब लेने के लिए जो आपको सिलेबस बताया जाता है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई तो करनी चाहिए लेकिन सिलेबस में हिस्ट्री बताएगी हिस्ट्री पॉलिटी पढ़नी है कौन सी पढ़नी है ये कौन बताएगा यूट्यूब पर जब आप टीचर्स को फॉलो करते हो वो एक तरफ से दोस्तों वो पेड़ में भी वही चीज यूट्यूब पे भी वही चीज हर जगह वही चीज आपको पढ़ाएंगे तो बताओ याद कहां से करोगे नहीं कर पाओगे ना तभी एक चीज निकल के आती है एग्जाम वारंटेड जिससे सिलेक्शन होता है और एग्जाम वॉरेंटेड कंटेंट इंडिया के अंदर सिर्फ दो परसेंट स्टूडेंट के पास होता है पर सिर्फ दो परसेंट के पास अस्सी और बाकी अट्ठानवे परसेंट जो वैसे भी फेल होते हैं वो हमेशा होंगे क्योंकि तो बात तो माननी नहीं, नहीं है ठीक है मैंने आपको एक बहुत गुरुमंत्र बताया इस चीज का लेकिन फॉलो ही नहीं करना मत करो एग्जाम में बताया था मैंने कि क्या करना है, कैसे करना है।, फिर भी कर है। हो दोस्तों सब सारे स्टूडेंट जीके में फेल हुए हैं और हम लोगों ने क्या किया चालीस में से उनतालीस क्वेश्चन फंसा दिए तरीका होना चाहिए खैर क्या ही कर सकते हैं अब तो कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान ग्यारहवे देखो आप सभी को पता है भारत के अंदर मैं आपको हमेशा ये चीजें कब पढ़ाता हूं ये चीजें मैं आपको पढ़ाता हूं भाग से कौन से भाग से ध्यान रखना दोस्तों ये चीजें आपने मेरे साथ कैसे पढ़ी है भारत के अंदर ऐसे बाईस भाग है तो जब आप लोग भाग फर्स्ट की बात करते हैं दोस्तों इंडियन पॉलिटी के अंदर जब भाग एक की बात आती है भाग जो एक है आर्टिकल नंबर एक से लेकर चार तक जाता है बोलो हाँ हाँ जाता है इसके अंदर आपको क्या मिलता है इसके अंदर आपको याद रखना संघ तथा इसके अंदर आपको संघ तथा राज्य क्षेत्र दोस्तों पढ़ने के लिए मिलता है बोलो हाँ ठीक है इसके तुरंत बाद इंडियन पॉलिटी के अंदर दोस्तों भाग दो आता है भाग दो में आपको क्या मिलता है भाग दो में आपको याद रखना आर्टिकल पांच से लेके आर्टिकल ग्यारह तक दिखाई देता है इसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है इसमें आपको याद रखना नागरिकता पढ़ाई जाती है क्या पढ़ाई जाती है नागरिकता इसके बाद आता है दोस्तों याद रखना आपका भाग तीन अब इंपॉर्टेंट बात है भाग तीन को जब आप पढ़ते हो इसमें आपको याद रखना दोस्तों मौलिक अधिकार इसमें आपको मौलिक अधिकार पढ़ाए जाते हैं क्या पढ़ाए जाते हैं मौलिक अधिकार इनका आर्टिकल कौन सा है यहाँ ग्यारह हो गया था तो आर्टिकल दोस्तों याद रखना ये बारह से स्टार्ट होते हैं और आर्टिकल पैंतीस तक जाते हैं भाग तीन के बाद आता है दोस्तों एक मिनट और मौलिक अधिकार दोस्तों हम लोगों ने कहा से लिए थे मौलिक अधिकारों को हम लोगों ने यूएसए से लिया था मौलिक अधिकार पहले सात थे वर्तमान में मौलिक अधिकार छः हैं सातवां मौलिक अधिकार दोस्तों याद रखना आपके संपत्ति के अधिकार से था आर्टिकल इकतीस में और आर्टिकल इकतीस को उठाकर आर्टिकल तीन सौ ए में पहुंचा दिया गया चवालीसवें संविधान संशोधन उन्नीस के तहत मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था वो कानूनी अधिकार बन चुका है हो गया खत्म भाग के बाद अगला जो भाग आता है मेरे दोस्त उस भाग का नाम है आपका भाग चार भाग चार में आपको क्या मिलता है पढ़ने के लिए राज्य के नीति निदेशक तत्व तो डीपीएसपी मिलते हैं डीपीएसपी दोस्तों मिलते हैं डीपीएसपी का आर्टिकल याद रखना यहाँ पे छत्तीस पैंतीस हो गया था छत्तीस लेके इक्यावन तक दोस्तों जाता है इसमें आपको क्या पढ़ने के लिए मिलता है इसमें आपको दोस्तों डीपीएसपी पढ़ने के लिए मिलते हैं डीपीएसपी वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है डीपीएसपी के दोस्तों राज्य के राज्य के दोस्तों राज्य के नीति निदेशक जो तत्व है इनकी संख्या प्रेजेंट टाइम में दोस्तों कितनी है कोई बता सकता है ठीक है तो यहाँ पर जब बात थे डीपीएसपी की इनको दोस्तों हम लोगों ने किस देश से लिया है इनको हम लोगों ने याद रखना आपके आयरलैंड से इनको हम लोगों ने आयरलैंड से दोस्तों लिया है अगला तथ्य यहाँ पर जो निकल के आएगा भाग चार के बाद तो याद रखना यहीं पर होता है हमारे भारत के अंदर एक ड्रामा वो ड्रामा क्या होता है पॉइंट बी नोटेड हमारे भारत के अंदर ठीक है क्या करोगे यहाँ पर याद रखना दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा पहली बार स्वर्ण सिंह दोस्तों कमेटी बनाई जाती है नॉर्मल बनाई जाती है 1906, 1906 में और इसने दोस्तों क्या किया इसने भारत के अंदर एक सुविचार दिया कि एक संविधान संशोधन करवा दिया बयालीसवा संविधान संशोधन उन्नीस इसके तहत भाग दोस्तों चार में इसके तहत भाग चार में भाग चार का दोस्तों ए करवा दिया और आर्टिकल इक्यावन था तो आर्टिकल इक्यावन में इसने दोस्तों आर्टिकल आर्टिकल ए करवा दिया आर्टिकल 51 में आपको मौलिक अधिकार दिए गए थे सॉरी भाग चार में छत्तीस से इक्यावन तक डीपीएसपी थी इसने आर्टिकल इक्यावन में उंगली कर दी और इक्यावन में आर्टिकल इक्यावन का ए जोड़ दिया इसमें आपको दे दिए जाते हैं मौलिक कर्तव्य क्या दे दिए जाए <गण> क्या दे दिए जाते हैं इसमें आपको दोस्तों याद रखना मौलिक कर्तव्य दे दिए जाते हैं और इस मौलिक कर्तव्य में आपको एक नया कर्तव्य है कि में संख्या दस करते थी। लेकिन इन दस में याद रखना इनकी संख्या ग्यारह हो गई ग्यारह में दोस्तों याद रखना छह से लेकर चौदह वर्ष तक के बच्चों को उनके अभिभावकों के द्वारा एजुकेशन प्रदान करना इसका दोस्तों प्रमुख लक्ष्य था क्या था एजुकेशन प्रदान करना इसका प्रमुख लक्ष्य था तो इन लोगों ने क्या किया जो ग्यारह मौलिक अधिकार आया वो कैसे आया वो आया आपका संविधान संशोधन संविधान 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 संशोधन 2002 के तहत तो आंसर जो क्वेश्चन का था वो संशोधन 2002 दो, दो 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 दोस्तों यहां पर आ जाता है ठीक है दूसरी बात याद रखना इसी संविधान संशोधन के तहत आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और क्रिएट होती है वो ये कि हमारे भारत के अंदर डीपीएसपी में एक आर्टिकल है डीपीएसपी में एक आर्टिकल है एजुकेशन से रिलेटेड वो आर्टिकल है दोस्तों आर्टिकल नंबर 45 आर्टिकल नंबर 45 को यहाँ पर रिप्लेस करके उसको आर्टिकल दोस्तों 21 ए में पहुंचा दिया गया इसी 86वें संविधान संशोधन के तहत जो एजुकेशन का एक मौलिक अधिकार है जो एजुकेशन का एक मौलिक अधिकार है ठीक है चलिए हो गया पूरा भारत सरकार ने हरित क्रांति के दौरान पहली बार गेहूं के बीजों की एक नई किस्म को आजमाने के लिए किस राज्य का दोस्तों चयन किया था किस राज्य का चयन किया था बताइए रूबी मेहरा जी सर जी एक बार में सारे आर्टिकल करा दिए नहीं ऐसे नहीं देखो आर्टिकल पढ़ने के तरीके दो प्रकार के होते हैं कौन कौन से एक तो आप सारे आर्टिकल पढ़ लो ठीक है और या तो आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ लो ये दो चीजें हैं ठीक है हाँ जी उनके अभिभावकों के द्वारा जरूरी नहीं कि अभिभावक मम्मी पापा ही हो किसी कारण मम्मी पापा नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो जो उनकी परवरिश कर रहा है वो करेगा इस तरह से पंजाब को सर चुना गया था ठीक है क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो पंजाब इज द करेक्ट आंसर होगा क्या होगा पंजाब इज द करेक्ट आंसर होगा अब सुनो पहली बार पहले मेरी बात ध्यान से पंजाब के साथ साथ ये प्रोविजन भारत के अंदर एक आपका दोस्तों पंजाब है एक राज्य आपका हरियाणा निकल के आया और वेस्ट की बात करेंगे या पूरा लिखो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इनको दोस्तों चुना गया सर्वप्रथम ये तीन ऐसे फैक्ट थे इनके अंदर फसल की उपज बहुत ज्यादा अधिक करनी थी और इनमें दोस्तों किस चीज की उपज अधिक करनी थी इसमें याद रखना सिर्फ दो चीजों की उपज दोस्तों अधिक करनी थी पहला पॉइंट था दोस्तों गेहूं का और दूसरा था दोस्तों सुनो पहले भाई, मजा आता पूरा, 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 पूरा ले ले। क्वेश्चन बनेगा वो गेहूं से नहीं दोस्तों याद रखना चावल से बनेगा फिर चाहे आप यूपी पुलिस का एग्जाम देना चाहे ऑपरेटर का या यूपी पुलिस का फिर चाहे आप एसएससी जीडी का एग्जाम देना और इसमें से जो मैंने पढ़ाया है यानी कि इस चैनल पर सिर्फ लगभग डेढ़ सौ क्लासेस हो पाई हैं, उसमें शॉर्ट्स और बाकी चीजें अवेलेबल है इस चैनल पर कुल मिलाकर स्टैटिक स्टैटिक की भाई क्लासेस हैं, मेरा वादा है। पूरा जीके जो है, ठीक है तो पूरा का पूरा पूरा का पूरा जो दोस्तों याद रखना आपका आ, वो है क्या नाम एस एस का पेपर इन क्लासेस से बाहर नहीं जाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है विद करंट अपडेट के साथ में यही बात मैंने एसीआई के एग्जाम में कही थी जब कुछ लोगों ने मेरे पास पर्सनली कमेंट किया था कि सर आज तक इंडिया में कभी भी किसी ने ऐसा नहीं किया जैसा आप कह रहे हो कि ए में पूरा का पूरा पेपर फंसा देंगे और आपने एग्जाम के दो महीने पहले कमिटमेंट कर दी थी सर कैसा एग्जाम आएगा क्या होगा आप ऐसे मत कहा करो मैंने कहा था जो कह दिया वो कह दिया आ गया रिजल्ट आंसर की अब कल आपके सामने होगी आंसर की ये है पावर तो ये बात आपको दोस्तों यहाँ पर याद रखनी है अब यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन याद रखना चावल से ये पूरा टॉपिक आपका कवर हो चुका है कितने प्रकार से तीन प्रकार से चावल की वैरायटी से क्वेश्चन पूछेगा चावल की किस्मों से क्वेश्चन वही वैरायटी चावल के उत्पादन से क्वेश्चन और भारत में चावल से संबंधित कितने जी किस राज्य के कौन कौन से चावल हैं सेम एज क्वेश्चन पूछेगा वो सात देश कौन से हैं जहां पर भारत ने निर्यात और आयात को मंजूरी दे दी है चावलों से रिलेटेड सब कुछ डन है जो सोया था वो सोएगा जो जागेगा यूके रियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से और यहां पर एम एस स्वामीनाथन 1960 के दशक नॉर्मन बोर्ड कल या परसों पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है इसका कल नहीं परसों या नर्सों वाले क्लास में पूरा टॉपिक भर भर के यूके रियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से किस जगत में नहीं पाई जाती है यूके रियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से दोस्तों नहीं पाई जाती है बताइए यूके रियोटिक कोशिका के बारे में स्टार्टिंग में मैंने आपको रूबी मैसर जी क्लासेज जो छूट गई हैं उनमें मैं क्या करूं पंचायती राज मेरे भाई कोई बात नहीं सृष्टि जी बात वही है बानवे में हुआ तिरानवे में लागू हुआ मैंने सीधा तिरानवे बता दिया ठीक है चलिए तो कहा है हम लोग यूके रियोटिक यूके रियोटिक कोशिकाओं के बारे में आप लोग मेरे साथ सब पढ़ चुके हो कब इसी क्लास में 35 पहला या दूस, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था पूरा पढ़ चुके हो यहाँ पर याद रखना प्रोटिस्टा इज रे ये दोनों प्रोटिस्टा है प्रोटिस्टा एकदा करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ये बात आपको याद रखनी है प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग पहली बार 1902 याद रखना 66 में किसके द्वारा किया गया था एक वैज्ञानिक का नाम था आनस्ट हेकेल इस वैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम प्रोटिस्टा को खोजा था और आपके एसएससी में पूछता है कि एसएससी में पूछता है कि प्रोटिस्टा के अध्ययन को क्या कहा जाता है प्रोटिस्टा की स्टडी को प्रोटिस्टा लॉजी के नाम से दोस्तों जानते हैं नॉर्मल सी बात है अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है और ये याद रखना ये सु जीव होता है ये एक कोश की है और एक कोष की है होता है एक कोष की होता है इसीलिए इसमें शामिल नहीं क्योंकि यूकेरियोटिक जो होता है वो एक कोश की होता है सॉरी बहु कोश की होता है और ये एक कोश की होता है आगे आओ तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक थी अब देखो आपके यूपी पुलिस का जो एग्जाम है यूपी पुलिस का एग्जाम वहां पर 2011 की जनगणना से कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे पूरा टॉपिक कवर हम लोगों का हो चुका है सेम एज एस एस सी जी डी की हम लोग बात करते हैं तो कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे ये पूरा टॉपिक हो चुका है लेकिन जो स्टूडेंट पेड कोर्स जिन्होंने कर रखा है वो क्या कर रहे होंगे उनको दोस्तों पूरा का पूरा चैप्टर पिलाया गया है जिसका एग्जाम में कोई यूज नहीं है जब ये पूरा चैप्टर रट लेंगे कम से कम दो से तीन दिन में दिमाग कवाड़ा हो जाएगा तब कहीं अपने पेपर में एक आध क्वेश्चन सही पे टिक नहीं लगेगा फिर भी नहीं लग पाएगा इतना याद ही होता है भूल जाते हैं पढ़ा था क्या आंसर था बताओ यही होता है एग्जाम में या नहीं होता है कमेंट किया करो हाँ सर होता है और जब आप किसी एग्जाम ऑरियटेड कंटेंट को पढ़ते हो कि मुझे टाटा की नॉक नेक्सॉन लेनी है तो वही लेनी है बात है बात खत्म ये है। समझ गए तो ये पूरे टॉपिक खत्म है अब इस क्वेश्चन की मैं बात की गई है पुरुषों में साक्षरता दर की तो मैंने आपको दो पॉइंट बताए थे कौन कौन से ये बताया था मैक्सिमम मिनिमम दो राज्यों से याद रखना कौन कौन से कैसे केरल के अंदर पूछा गया, -गया है आपसे केरल के अंदर दो सौ याद रखना आपकी यहां पर पुरुषों की बात की गई है तो पुरुषों के साक्षरता दर थी कितनी क्या बता यह भी पूछ सकता है छियानवे दशमलव दो याद रखना एक परसेंट थी तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके पेपर में फीमेल से भी पूछ सकता है याद रखना कम नहीं थी बानवे दशमलव एक परसेंट थी अब लोअर की बात आती है सबसे दोस्तों याद रखना या आपका बिहार रहता है कौन सा बिहार बिहार में जब हम लोग दोस्तों मेल की बात करेंगे वहां पर इकहत्तर दशमलव दो प्रतिशत लोग पढ़े हुए हैं और वहां पर दोस्तों जब हम लोग फीमेल की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं इक्यावन दशमलव पांच परसेंट महिलाएं पढ़ी लिखी है बाकी सब बिना पढ़ी लिखी है भैया सर जी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कत्थक की रानी की उपाधि निम्नलिखित में से किसको दी थी दोस्तों कथक याद रखना सितारा देवी दोस्तों इनका नाम है और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सिर्फ गुरुदेव की उपाधि किसको दी थी तो गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टेगोर जी ने महात्मा गांधी को दोस्तों देती थी भारत के अंदर महत्वपूर्ण कथक से संबंधित लोग कौन कौन से हैं पंडित बिरजू महाराज जिनका हाल ही में में निधन हो गया है किस उम्र में हुआ कौन से पुरस्कार किस घराने से यहां से एक क्वेश्चन यूपी पुलिस में हंड्रेड परसेंट टपकेगा तो कथक से रिलेटेड बिरजू महाराज कथक से रिलेटेड लच्छू महाराज कथक से रिलेटेड याद रखना आपके शंभू महाराज कथक से रिलेटेड आपके शोभना नारायण इन सब से क्वेश्चन से हिट होंगे ठीक है आगे आइए अगला अनुच्छेद के अनुसार एक मैं आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी कमिटमेंट करने जा रहा हूं दोस्तों बहुत बड़ी कमिटमेंट है यूट्यूब पर शायद आपने कभी भी ऐसी कमिटमेंट आज तक सुनी होगी कमिटमेंट दोस्तों यह है कि फेस ट्वेल्व का जो एग्जाम होगा ध्यान दो अभी से फेज 12 का एग्जाम जो होगा ओपनेंस याद रखना एसएससी 2024 प्लस एसएससी 2024 इन दोनों एग्जाम्स में फेज 12 का एग्जाम एक फरवरी को नोटिफिकेशन आने वाला है और नोटिफिकेशन आने से पहले मैं एक नोटिफिकेशन इसी चैनल पर करूंगा कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है मैं आपको पूरी ब्रीफ यहाँ पर कर दूंगा बस उसको आपको फॉलो करना है मैं निरंतर क्लासेस भी लूंगा मैं निरंतर कंटेंट भी बनाऊंगा और एग्जाम भी आप लोगों के साथ में दूंगा ये मेरा पहला कमिटमेंट आप लोगों के लिए है फुस? आप दोगे पेपर मैं भी दूंगा खुश बोलो आज तक कभी भी ऐसा हुआ है आपकी जिंदगी में यूट्यूब पर आज तक कभी भी टीचर किसी ने ऐसे कहा है एक बार पहले मुझे कमेंट करके बताओ पहली बार ऐसा आप यूट्यूब पर देखोगे पहले कमेंट करो हुआ या नहीं हुआ है आज तक आपकी नजर में ऐसा कभी हुआ है जो एग्जाम होने से पहले ही कोई कह रहा है कमिटमेंट कर रहा है कोई पहले कमिटमेंट कमेंट करके बताओ हुआ है या नहीं क्वेश्चन का आंसर राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका ठीक है दो पॉइंट यहां पर हैं पहला पॉइंट आपके सामने है याद रखना दोस्तों राज्य सरकार की पहला पॉइंट है राज्य सरकार की राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका से कार्यपालिका से सेम एज क्वेश्चन पूछेगा केंद्र सरकार सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा केंद्र सरकार की समस्त कार्यपालिका से ठीक है दोनों क्वेश्चन दोस्तों होंगे वो भारत के प्रथम नागरिक से होंगे यहां पर राज्य का प्रथम नागरिक होता है गवर्नर किस आर्टिकल के तहत ऐसा गवर्नर करता है तो क्या करोगे दोस्तों तो याद रखना आर्टिकल एक सौ छाछठ एक के तहत एक सौ छाछठ एक के तहत केंद्र सरकार की बात करेंगे तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है भारत का राष्ट्रपति होता है राष्ट्रपति ऐसा किस आर्टिकल के तहत करता है आर्टिकल सतर के आर्टिकल सतर के एक के तहत ऐसा कर सकता है पूछा गया था दोस्तों राज्य सरकार आर्टिकल एक तो आंसर आपका जो होगा वो राज्यपाल दोस्तों करेक्ट होगा तो सिर्फ राज्यपाल ही क्यों याद रखें? सर जी सर आपको सब आता है आपके नोट्स भी बेस्ट बने हैं अच्छा देखो मेरे भाई आपको सुन के हैरानी होगी आप सभी लोगों को दोस्तों सुन के हैरानी होगी कि मैंने आज तक कभी भी अपना सिलेबस कवर नहीं किया सत्तर परसेंट से ज़्यादा मैंने आज तक अपना जो सिलेबस है सिर्फ और सिर्फ दोस्तों याद रखना सत्तर से अस्सी परसेंट ही कवर किया है यही फार्मूला मैं आप लोगों को भी बताता हूँ यही फार्मूला मैं आप लोगों को बताता हूँ कि देखो यार चीजें जो आप सोचते हो वो वैसी चीजें नहीं होती हैं समझो जो आप सोचते हो ना कि सरकारी नौकरी के लिए ये सब्जेक्ट ये इंपॉर्टेंट वो इंपॉर्टेंट करो ऐसा नहीं है सतेंद्र भैया जी गुड हैप्पी बर्थडे आप को चलिए घर निम्नलिखित में से निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसको भारत का नेपोलियन दोस्तों कहा गया था भारत का नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा गया था ठीक है आंसर दोस्तों याद रखना समुद्र गुप्त आ रहा है तो समुद्र गुप्त दोस्तों इज द करेक्ट आंसर भारत का नेपोलियन कहा था कहा किसने था इसको भारत का नेपोलियन याद रखना दोस्तों वी एस स्मिथ के द्वारा इसको वी एस स्मिथ के द्वारा भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी संज्ञा दी गई थी ये भारत के अंदर दोस्तों मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड समुद्र गुप्त गुप्त वंश से रिलेटेड महान शासकों में से एक थे दोस्तों ये बात आपको याद रखना ये ऐसे व्यक्ति थे नेपोलियन नाम इसलिए रखा गया क्योंकि तो इन्होंने आज तक कभी भी पराजय का सामना नहीं किया ये व्यक्ति ऐसा था जिन्होंने दोस्तों कभी भी अपने हारे नहीं थे इनके काल की बात करते हैं तो याद रखना दोस्तों हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक का पूरा क्षेत्र ठीक है ये बात आपकी आती है उत्तर की उत्तर में हिमालय से लेके और दक्षिण में इसका इनका विस्तार पूर्व में इनका विस्तार ब्रह्मपुत्र से लेकर यमुना नदी पश्चिम तक इन्हीं का शासनकाल था ठीक है कभी भी पराजय इन्होंने हासिल नहीं की किस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा आंदोलन प्रस्तावित किया गया था हां जी रूबी जी इनको संगीत चलो इनको क्या कहा जाता है संगीत इनको संगीत प्रेमी के नाम से भी दोस्तों जाना जाता था। तो किनको? को। तो समुद्रगुप्त को, पर क्वेश्चन जो है स्वतंत्रता दिवस की बात की जाए छब्बीस जुलाई दो को पहली बार दोस्तों कहा था हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि दोस्तों तेरह से लेके पंद्रह अगस्त दो हजार बाईस तक आप सभी लोग मिलकर तिरंगे को लहराने का दोस्तों काम करेंगे ये बात याद रखना हर घर तिरंगे के रूप में इस प्रकार से आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों अवेलेबल है ठीक है इसका आंसर मुझे जो आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके बताओगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया था तो दोस्तों कब किया गया था 2022 में यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको मिला 2000 दो दोस्तों 22 में इस पुरस्कार का विजेता कौन था और 2023 में इस पुरस्कार का विजेता कौन है ये दोनों के दोनों क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट करके चाहिए और नाम बदला कब गया था ये भी आंसर चाहिए और कुछ आंसर नहीं तीन दे देना ये कौन जीता में और दोस्तों अब की इसका नाम हुआ था इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे ऑफलाइन दोस्तों कमेंट करके बताओगे जो भी आपका आंसर यहाँ पर आया हो आज एनिमल फ्रीज को रहने देते हैं टाइम नौ सत्ताइस हो गया इसलिए तो ये आपका दोस्तों सेशन था जो आपने यहां तक मेरे साथ कंप्लीट कर लिया है ऑल क्लियर इसके साथ में इसके साथ में कल दोपहर एक बजे आप लोग याद रखना एक बजे आप लोग मेरे साथ मिक्स क्वेश्चन की क्लास कवर करने वाले हो करंट अफेयर कुछ इसके अंदर दोस्तों मिक्स होगा और काफी बड़ी क्लास होगी आपकी ठीक है काफी बड़ी क्लास आप लोग मेरे साथ कवर करोगे रखना ठीक है और इसके साथ दोस्तों जो भी चैनल पे स्टूडेंट अभी अवेलेबल है जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें कल शाम वाली क्लास में कल शाम को क्लास हम लोगों ने बहुत नॉर्मल ली थी एक शॉर्ट टाइप का था वो तो वो तो आपने खैर कवर कर ही लिया था उस पर दोबारा जाने की जरूरत नहीं है ये दोस्तों आपका सेशन था जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है याद रखना ठीक है यह आपका सेशन हो गया पूरा कंप्लीट इसके साथ दोस्तों याद रखना फिर से हम लोग मिलेंगे मॉर्निंग में ऑन टाइम पर पांच बजे कल की क्लास थोड़ी अच्छी बेहतर अमेजिंग क्लास होने वाली है क्योंकि कल आप लोग मेरे साथ रिवीजन बहुत ज्यादा करोगे कल वीकली करंट अफेयर तो है ही वीकली के साथ साथ यूपी पुलिस ऑपरेटर और यूपी पुलिस के लिए स्पेशल क्लास है सभी लोगों के लिए तगड़ा वाला रिवीजन के तौर पर ध्यान रखना लास्ट एक साल का करंट यानी कि लास्ट एक साल का तो इंपॉर्टेंट खैर नहीं है

वहां से आप लोग इसको प्राप्त कर सकते हो बाकी इसकी लिंक कहाँ मिलेगी इस चैनल पर यहां पर क्लिक कर दो ये चैनल है पर क्लिक मोबाइल पे भी अबाउट में नीचे आओगे टेलीग्राम का लिंक। इस टेलीग्राम पर लिंक पे क्लिक करके आप कमेंट कर सकते हो यहां पर इंस्टाग्राम है इंस्टाग्राम पे भी क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बता सकते हो ठीक है एच डी एस डी पनवार जी सर आपकी क्लास आपकी हर क्लास क्या लिखा है आपने ये अमेजिंग होती है ये कहना चाह रहे हो आप बाकी किसी भी स्टूडेंट का कोई भी ऐसा मैसेज है जिसका मैंने रिप्लाई अभी तक व्हाट्सएप इंस्टा पे नहीं दिया है एक बार उन मैसेजेस को आप लोग रीसेंड मेरे पास कर देना सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जिनके मैसेजेस मैंने नहीं पढ़े हैं एक बार आप मेरे पास रिसेंड कर देना अपना मैसेज ठीक है एक एक बार बार कर कर देना देना अपना अपना मैसेज मैसेज जो भी स्टूडेंट क्लास में है को अपना एक बार कर देना, तो चीजें बन जाएंगी ठीक है तो ये सेशन हो गया आपका पूरा का पूरा दोस्तों यहां तक आपका कंप्लीट कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो ऑफलाइन दोस्तों कमेंट करके बता देना अगर कोई दिक्कत आती है तो अदरवाइज तो पहली बात तो कोई दिक्कत दोस्तों आपको आएगी नहीं तो फिलहाल में आज के सेशन को दोस्तों हम लोग स्टॉप करते हैं मिलते हैं फिर से ऑन टाइम पर पांच एम पर तब तक लिया सभी को तहे दिल से और कल दोपहर एक बजे क्लास से ध्यान रखना मिलते हैं ऑन टाइम पर तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम इंकलाब जिंदाबाद